अब इसमें हर बॉक्स में आपको तीन या तीन से कम प्लेन दिखेंगे। यहाँ पर हम गलती ये करते हैं कि हम यहाँ पर एक हार्ड लाइन क्रिएट कर देते हैं ऑब्जेक्ट को अलग दिखाने के लिए, ऑब्जेक्ट की आउटलाइन करने के लिए। जो हाईलाइट वाला एरिया है उस पर भी मैं एक सिंगल लेयर क्रिएट कर रहा हूँ बहुत ही हल्के पेंसिल से। शेडिंग भी कर ली, स्मूथ ब्लेंडिंग भी कर ली, फिर भी वो 3D वाली फील आती ही नहीं है। कितनी भी स्मूथ ब्लेंडिंग कर लो, ड्राइंग से उसका कुछ लेने देना है ही नहीं। बल्कि रफ वैल्यू जजमेंट के साथ भी एक ऑब्जेक्ट को 3D फील दी जा सकती है। प्रैक्टिस के टाइम पर हम ऐसा ही करते हैं क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है ऑब्जेक्ट ड्राइंग के टाइम पर कि उसे वो 3D फील आ सके। आगे आने वाले कुछ मिनटों में आपको डिफरेंट टेक्निक सीखने को मिलेगी जो आपको बताएंगे कि अपने ऑब्जेक्ट को कैसे देखना है, उसे कैसे ड्रॉ करना है और आपके ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये वीडियो कंप्लीट शेडिंग टेक्निक्स पर नहीं है, बट उससे पहले आपको क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना है, शेडिंग करने से पहले आपको अपने माइंड में क्या क्या चीजें लेकर आनी है उस पर है। तो इसे आप पार्ट 1 ऑफ रियलिज्म भी कह सकते हो। और अगर इसका पार्ट 2 भी चाहते हो जिसमें मैं शेडिंग की टेक्निक्स को समझाऊंगा तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे जरूर बताना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। हर वैल्यू एक अलग फील देती है। जैसे आप कहते हो ना कि इसमें 3D फील आ रही है, इसमें 2D वाली फीलिंग आ रही है, फ्लैट लग रहा है, आपको फील ऐसी आ रही है, तो देखने वाले व्यूअर को आपको ऐसी फील प्रोवाइड करनी है कि वो 3D लगे। अगर आप फील वो प्रोवाइड नहीं कर पाओगे तो आपका ऑब्जेक्ट 3D कहीं ना कहीं नहीं बन पा रहा है। तो इसको समझना और अप्लाई करने की कोशिश करना। लाइट वैल्यूज आपको फील कराती है कि ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, ऑपोजिट होगा डार्क वैल्यूज के साथ। डार्क वैल्यूज आपको फील कराएंगी कि ऑब्जेक्ट का वो हिस्सा दूर जा रहा है। एक्सेप्शन है कि ऑब्जेक्ट का कलर ब्लैक हो। और जब जब आप इन लाइट और डार्क वैल्यूज को सही तरीके से यूज करोगे तभी वॉल्यूम क्रिएट हो पाएगी, डार्क वैल्यूज के साथ डेप्थ क्रिएट हो पाएगी। अब आपको 3D वाली फील लाने के लिए इन दो चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आ जाता है वैल्यूज, जिसमें आपको 3 वैल्यूज पर खासकर ध्यान रखना है। एंड द सेकंड वन इज डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, मतलब लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है, वो लेफ्ट साइड से आ रही है, टॉप से आ रही है, राइट साइड से आ रही है। क्योंकि अगर वो सबसे पहले आपने डिफाइन कर दिया तो आगे की प्रोसेस इजी हो जाएगी। तो वैल्यूज में हमने 3 वैल्यूज को कहा, जैसे कि 3 वैल्यूज का यूज करना है। 3 वैल्यूज कौन सी, सबसे पहले सबसे लाइट वैल्यू हमने यूज करनी है जिसमें हम बहुत ही हल्का प्रेशर लगाएंगे। ये आ गई बिल्कुल लाइट वैल्यू। सेकेंड वन इज थोड़ी सी डार्क मिड टोन वैल्यू। एंड द थर्ड वन इज डार्क वैल्यू फॉर द शेडो पार्ट, जिसे हमने कोर शेडो भी कहा। डार्क वैल्यू डालने के लिए मैं 8B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, आर्ट लाइन की। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा हूँ ताकि और ज्यादा वो डार्क हो सके। तो ये आ गई हमारी लाइट, दिस इज आर मिड टोन एंड दिस इज आर डार्क टोन, जिसे हम कोर शेडो के लिए यूज करेंगे, इसे हम मिड टोन्स के लिए और इसे हम हाईलाइट के लिए। बाकी हाईलाइट के लिए हम पेज वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू आ रही है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं और एक बॉक्स को क्रिएट करके देखते हैं और उसको एक 3D वाली लुक देते हैं, किससे, वैल्यूज से, और सोर्स ऑफ लाइट की डायरेक्शन भी हम चेंज करते रहेंगे। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर 3 बॉक्सेस बना लिए हैं। अब 3 बॉक्सेस अलग अलग क्यों बनाए मैंने, ताकि मैं सोर्स ऑफ लाइट की डायरेक्शन चेंज करके क्या क्या उसमें चेंज आ रहा है वो आपको दिखा सकूं। तो सबसे पहला फर्स्ट वाले बॉक्स में मैं जो सोर्स ऑफ लाइट है वो उसको मैं यहाँ पर रखूंगा, यहाँ से लाइट पड़ेगी। तो जो टॉप ऑफ द बॉक्स है ये वाला प्लेन, अब इसमें हर बॉक्स में आपको 3 या 3 से कम प्लेन दिखेंगे, ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं दिख सकते। टॉप प्लेन और ये 2 साइड वाले प्लेन। तो जब सोर्स ऑफ लाइट ऊपर है और लेफ्ट साइड पर है तो जो टॉप ऑफ द बॉक्स रहेगा वो हाईलाइट में रहेगा, ये वाली वैल्यू डालेंगे हम। जो ये वाला पार्ट है उसमें हम मिड टोन डालेंगे, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो प्लेन है बॉक्स का, ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है सोर्स ऑफ लाइट के, तो यहां पर हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। और अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू दिस इसकी हमारी शेडो आ जाएगी कुछ इस तरीके से। और अगर सोर्स ऑफ लाइट ऊपर है तो जो टॉप प्लेन है बॉक्स का वहां पर हाईलाइट रहेगी, और जो दोनों साइड्स हैं उसमें हम मिड टोन्स या कोर शेडो कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट जो शेडो वाला पार्ट है, जो ऑब्जेक्ट की शेडो है, वो चेंज हो जाएगी। अब
शेडो की डायरेक्शन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। थर्ड वाले बॉक्स में मैं सोर्स ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन है वो मैं रख रहा हूँ राइट साइड पर। तो अब चेंज क्या होगा, चेंज होगा इन दोनों में, इन दोनों प्लेन की वैल्यूज में। यहाँ पर आ जाएगी मिड टोन्स, क्योंकि इस प्लेन का जो थोड़ा सा फेस है वो टूवर्ड्स दी सोर्स ऑफ लाइट के है, बट ये बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पर मैं डार्क टोन यूज करूंगा, डार्क वैल्यू यूज करूंगा, कोर शेडो बनाऊंगा। तो चलिए प्लेस कराते हैं इन वैल्यूज को, ताकि इसमें कुछ 3D वाली फील आ सके। अब बात आती है कि कौन सी वैल्यू को सबसे पहले प्लेस कराना है। देखिए, जब भी हम वैल्यू जजमेंट की बात कर रहे होते हैं उस टाइम पर हमेशा हमें डार्क टू लाइट जाना होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया सबसे ज्यादा डार्क है, अब इसमें कौन सा है, ये वाला प्लेन सबसे ज्यादा डार्क है, तो हम इसे सबसे पहले डार्क करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे लाइट की तरफ चलेंगे, मतलब सबसे पहले ये वाला प्लेन करेंगे हम डार्क, उसके बाद ये मिड टोन डालेंगे इसमें, और हाईलाइट वाले पार्ट को ऐसे ही छोड़ देंगे हम। अभी बताने वाला हूं मैं आपको कि ये लाइट कैसे करना है। एक और चीज ध्यान रखना, जब भी आप वैल्यू जजमेंट की बात कर रहे होते हैं उस टाइम पर ये लाइंस अलग से शो नहीं करनी है आपको, इन्हें आपको वैल्यूज के अंदर ब्लेंड करना है। अब इस वाले पार्ट को मैं सबसे पहले डार्क कर रहा हूं, पेंसिल को स्लैंट करके चला रहा हूं ताकि जो वैल्यू है थोड़ी स्मूथ क्रिएट हो सके। ऑलराइट, फोर शेडो डन, चलते हैं मिड टोन की तरफ। अब इसे मुझे इतना डार्क नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट करना है एज कंपेयर टू कोर शेडो। ऑलराइट, मिड टोन डन। अब बारी आती है हाईलाइट वाले पोर्शन की। देखिए, इस रूल का हमेशा ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट का हाईलाइट वाला पार्ट डायरेक्ट बैकग्राउंड के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, अब जैसे कि इस बॉक्स का जो हाईलाइट वाला पोर्शन है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है बैकग्राउंड के, तो आप क्या करो, इसको ज्यादा पॉप करने के लिए आप बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क कर दो, जिससे होगा ये जो आपने बाउंड्री वाली लाइंस लगा रखी थी जब आपने 2D प्लेसमेंट की, उस टाइम पर आपने आउटलाइन क्रिएट कर रखी थी बॉक्स की, उस टाइम पर जो ये वाली लाइंस थी अब वो वैनिश हो चुकी हैं, वो बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो चुकी हैं। ऑलराइट, अभी जो टॉप ऑफ द बॉक्स है वो अलग पॉप हो रहा है, आप देखिए 3D वाली फील आ रही है धीरे धीरे। लास्ट पार्ट रहता है बॉक्स की शेडो, शेडो जब तक नहीं दिखाओगे तब तक एक रियलिज्म वाली फील नहीं आएगी, तो शेडो को डार्क करना बहुत जरूरी है। इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा और डार्क करने जा रहा हूं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो फिर भी 3D लुक देगा। बट अगर आप उसे और एनहेंस करना चाहते हो तो आप उसे और ज्यादा डार्क कर सकते हो, बट ध्यान दो इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को मर्ज मत करना। यहां से मैंने थोड़ा सा इसे लाइट छोड़ा हुआ है कि जैसे जैसे मैं नीचे आता जा रहा हूं मैं प्रेशर रिलीज कर रहा हूं ताकि वो आपस में मर्ज ना हो, कुछ इस तरीके से। अब एक 3D लुक आ चुकी है, देखिए। अब मैं चाहूं अगर इस टॉप वाले को ना एक हल्की सी लेयर भी दे सकता हूं, ये लीजिए। तो इससे अब हमें क्या सीखने को मिला, जो डार्क है उसे आप सबसे ज्यादा डार्क भी कर सकते हो, जो लाइट वाला एरिया हाईलाइट वाला एरिया है उस पर आप एक सिंगल लेयर, एक बेस लेयर डाल सकते हो, एक बिल्कुल लाइट लेयर। नेक्स्ट पे चल रहा हूं, सेम रूल अप्लाई करूंगा, जैसे ये वाला पोर्शन में हाईलाइट रखूंगा और ये दोनों पोर्शन इतना ज्यादा लाइट नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा डार्क करूंगा, इसे दोनों में थोड़ा सा ही फर्क होगा, इससे थोड़ा और ज्यादा डार्क करने वाला हूं मैं इस वाले पार्ट को। दैट्स इट, शैडो की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है।
अब देखिए इतना डार्क ये कहीं ना कहीं हो चुका है, इस वाले पोर्शन पे चल रहा हूँ। आप चाहो तो पहले शेडो वाला पार्ट भी डार्क कर सकते हो। अब बारी आती है टॉप ऑफ द बॉक्स को हाईलाइट वाले पार्ट को पॉप कराने की, तो बैकग्राउंड को मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं। ऑलराइट, ये बॉक्स भी कंप्लीट। थर्ड वाले बॉक्स पर चलते हैं जिसके सोर्स ऑफ लाइट की डायरेक्शन राइट साइड पर है, यहां से लाइट आ रही है। ये वाली साइड, ये वाला प्लेन सबसे ज्यादा डार्क होगा। ये सबसे ज्यादा डार्क है तो इसलिए मैं मिड टोन से पहले इसे ड्रॉ कर रहा हूं। ऑलराइट, मिड टोन्स इज ऑल्सो डन। चलते हैं हाईलाइट की तरफ। हाईलाइट के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क कर देना है। ऑलराइट, अब देखिए ये वाला पार्ट मैंने थोड़ा डार्क किया हुआ है, यहां से मैंने थोड़ा लाइट छोड़ा हुआ है। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? पहला रीजन, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ब्लेंड ना हो जाए आपस में, एक साथ मिक्स ना हो जाए। दूसरी चीज, जब हम रूल्स ऑफ रियलिज्म को फॉलो करते हैं, ये जो यहाँ से लाइट वाला पोर्शन है इसे हम बोलते हैं बाउंस लाइट। मतलब इस वाले पोर्शन पर डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट से लाइट नहीं आ रही, बल्कि सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर लाइट पड़ रही है। मतलब यहाँ से यहाँ पर आई लाइट, फिर उसके बाद यहाँ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, या फिर यहाँ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। ऑलराइट, चलिए हम ड्रॉ करते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट जहाँ पर हमें एक स्कल्पचर दिख रहा है नोज का। तो सबसे पहले हमें तीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाईलाइट वाला एरिया ये आ रहा है, यहाँ पर हाइलाइट्स दिख रही हैं कुछ, यहाँ पर बाउंस लाइट दिख रही है। अब देखते हैं मिड टोन्स, ये कुछ मिड टोन्स आ रही हैं जो ना तो ज्यादा लाइट हैं और ना ज्यादा डार्क हैं, इवन ये भी मैं मिड टोन्स ही कहूंगा। उसके बाद बारी आती है कोर शेडो की। ये वाला पोर्शन हो गया, जितना भी आपको डार्केस्ट पोर्शन दिख रहा है वो सारा आपका आ जाएगा कोर शेडो के अंदर। ये पीछे आ जाएगी इसकी शेडो, ऑब्जेक्ट की शेडो। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर हाईलाइट वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है बैकग्राउंड के, तो हम बैकग्राउंड को डार्क कर देंगे। ये वाला पोर्शन देखिए, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है बैकग्राउंड के, तो बैकग्राउंड को हमें डार्क करना पड़ेगा। ये सारा पोर्शन डार्क होगा तभी
जो हाईलाइट वाला पोर्शन है वो पॉप हो पाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे ऑब्जेक्ट को तो जो लाइट के सोर्स की डायरेक्शन है वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो सकती है ऑब्जेक्ट की शेडो से। ऑब्जेक्ट की शेडो पड़ रही है यहाँ पर, तो फॉर श्योर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन से लाइट आ रही होगी, राइट। नीचे से नहीं आ रही होगी क्योंकि ये वाला पोर्शन डार्क है, तो ऊपर से ही आ रखी होगी कुछ इस एरिया में, इस एरिया पे से हमारी लाइट आ रही है। अब हम चलते हैं ड्राइंग पेज पर, जिसमें मैं 2D शेप्स पर नहीं जाऊंगा बल्कि सीधा हम उस पर वैल्यूज एड ऑन करेंगे। ये तीन वैल्यू सबसे पहले हम प्लेस करा देंगे, उसके बाद हम थोड़ा बहुत डिटेल पर जाएंगे। अगर आप डिटेल पर नहीं भी जाना चाहते इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट एक 3D वाली फील आ जाएगी। ऑलराइट, तो ये रहा हमारे पास एक 2D शेप, अब इसे कन्वर्ट करना है हमने 3D शेप के अंदर। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट में देखेंगे, रेफरेंस फोटो में ये फाइंड आउट करेंगे कि डार्केस्ट पार्ट कौन सा है। डार्केस्ट पार्ट मेरे को ये वाला रीजन लग रहा है, यहां पर ये वाला पोर्शन लग रहा है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को सबसे पहले हम डार्क करते हुए चलेंगे। यहाँ पर लेयरिंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, या फिर हर एक हिस्से के लिए अलग अलग बारी में उसे टोन प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कई बार तो लेयर का यूज कर रहा हूँ, जैसे ये वाला पोर्शन है, मुझे पता है कि निचले वाले पार्ट में ज्यादा डार्क होगा, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा लाइट आएगा। तो मैं पहले क्या करूंगा, नीचे वाले पार्ट पे भी लेयर ऐड कर दूंगा। सेम लेयर देखिए, ये ब्लेंड हो चुकी है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, नीचे वाले पार्ट को थोड़ा डार्क करूंगा और ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगा उसे। सेम आप यहां पर भी कर सकते हो, इसे लेयरिंग टेक्निक बोलते हैं। इसमें हम एक के ऊपर एक लेयर ऐड ऑन करते हुए चलते हैं। जिस लेयर पर जाकर वो एरिया डार्क हो गया, जितना रेफरेंस फोटो में हमें दिख रहा है, उस टाइम हम उस एरिया को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ले सबसे पहले एक एरिया डिसाइड करके हमने पूरा ओवरऑल एक लेयर डाल दी, उसके बाद मैं जाऊंगा और जो डार्केस्ट पोर्शन है उसको मैं डार्क करता चलूंगा। आप बाकी जगह पर भी सेम टेक्निक यूज कर सकते हो, चाहे वो फेस हो, चाहे आप स्टिल लाइफ बना रहे हो, चाहे कोई नेचर का सीन ही क्यों ना हो, ये रूल हर जगह अप्लाई होगा। अगर आप हाईलाइट वाले पार्ट को ज्यादा पॉप कराना चाहते हो तो उस सिचुएशन में आपको जो आसपास की चीजें हैं, नेबर वैल्यूज जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें आपको थोड़ा डार्क करना पड़ेगा। अब मैं इस वाले पार्ट को जितना ज्यादा डार्क करता जाऊंगा उतना ज्यादा हाईलाइट वाला पोर्शन पॉप होता रहेगा। यहाँ पर हम गलती ये करते हैं कि हम यहाँ पर एक हार्ड लाइन क्रिएट कर देते हैं ऑब्जेक्ट को अलग दिखाने के लिए, ऑब्जेक्ट की आउटलाइन करने के लिए, एक एंडिंग पॉइंट शो करने के लिए। बल्कि हमें करना ये चीज है, हम अंदर तो वैल्यूज डाल देंगे बट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वाले पार्ट पर हमें क्या करना है। जब आप बैकग्राउंड को एक इवन वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होगे, उस टाइम पर आपको कई जगह पर ऐसा फील हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के साथ ब्लेंड हो रहा है। ये देखिए, जैसे कि ये वाला पार्ट ब्लेंड हो रहा है ना, उस टाइम आपको अपनी रेफरेंस फोटो में देखना है कि बैकग्राउंड ज्यादा डार्क लग रहा है या आपका ऑब्जेक्ट ज्यादा डार्क लग रहा है। अगर आपका ऑब्जेक्ट ज्यादा डार्क लग रहा है इस सिचुएशन में, तो ऑब्जेक्ट ही डार्क है। तो अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट का जो पार्ट है ये वाला हिस्सा, इसे मैं थोड़ा और डार्क कर दूंगा ताकि ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज ना हो।
अब धीरे धीरे मैं रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग चीजों को डार्क करता हुआ जा रहा हूँ, साथ ही साथ में चेक भी कर रहा हूँ कि वो उतना डार्क हुआ या नहीं हुआ है। यहाँ पर जितना मेरे को डिफरेंस दिख रहा है इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में, वो आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा चेक करूंगा कि कौन सा एरिया ज्यादा डार्क है, तो उस एरिया को मैं और ज्यादा डार्क करूंगा। और कहीं पर भी आपको कोई लाइन नहीं देखने को मिल रही होगी, वहां पर आपको वैल्यूज दिख रही हैं। शुरू भी वैल्यू से हो रही है और खत्म भी वैल्यू से ही हो रही है। अब ये देखिए, ये दोनों वैल्यूज ब्लेंड हो चुकी है, आपस में मर्ज हो चुकी है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू जो शेडो क्रिएट कर रही है वो ज्यादा डार्क है, तो उस वाली वैल्यू को मैं डार्क कर दूंगा और ज्यादा। यही रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जो 3D प्लेन पर काफ़ी सारी वैल्यूज़ क्रिएट हो रही होती हैं। अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे डिटेल्स पर भी जा रहा हूँ। जैसे जैसे हम चीज़ों को डार्क करते जाएंगे वैसे वैसे एक डेप्थ क्रिएट होती जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझ में आएगी कि जितनी ज़्यादा आप डार्क वैल्यू का यूज़ करोगे, डेप्थ क्रिएट करेगी वो गहराई क्रिएट करेगी। आप व्यूअर को ऐसा फील करा पाओगे आपके आर्टवर्क में डेप्थ है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरिया है, यहाँ पर मैंने डार्क किया, अब इससे कैसी फील आ रही है कि ये वाला जो एरिया है वो ऊपर है और ये वाला एरिया वो पीछे है, डेप्थ क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पर क्योंकि हम स्टडीज़ कर रहे हैं कि ये 3D दिख क्यों रहा है, ये वाला एरिया डार्क क्यों है, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे डार्क वाला एरिया दिख रहा है ये सबसे ज़्यादा डार्क आपको दिख क्यों रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की शेडो क्रिएट हो रही होती है तो वो डार्क ही होगी, ठीक है, तो वो डार्क ही होगी। जैसे कि ये वाला एरिया है, यहाँ पर इस पूरे ऑब्जेक्ट की शेडो पड़ रही है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डार्क वैल्यू दिख रही है हमें। सेम यहाँ पर ये वाला एरिया शेडो क्रिएट हो रही है इस वाले ऑब्जेक्ट की, इस छोटे से ऑब्जेक्ट की, सेम यहाँ पर ये सारी शेडो क्रिएट हो रही है। या फिर हम दूसरी तरफ से कहें कि ये वो वाले पार्ट है जहाँ पर लाइट अच्छे तरीके से पहुँच नहीं पा रही है, यहाँ पर 100% लाइट नहीं पहुँच पा रही है।
तो जितनी कम लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर या सरफेस पर पड़ेगी वो उतना ज़्यादा डार्क आप लगेगा, वो फील होगा वैसा कि वो ज़्यादा डार्क है। इसके बाद जो हाईलाइट वाला एरिया है उस पर भी मैं एक सिंगल लेयर क्रिएट कर रहा हूँ बहुत ही हल्के पेंसिल से, पूरे ऑब्जेक्ट पर एक सिंगल लेयर डाल रहा हूँ। ऑलराइट, एक 3D ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है जहाँ पर हमने तीन वैल्यूज़ के साथ हम उसको आगे लेकर गए मिड टोन्स में और ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड करते गए, जहाँ पर हमने सबसे डार्क वैल्यू इस वाले एरिया पर, हाईलाइट यहाँ पर, हाईलाइट पर हमने स्टार्टिंग में कुछ नहीं किया बल्कि एंड में किया, और हमने क्या देखा कि हाईलाइट वाला जो एरिया है अगर वो बैकग्राउंड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो बैकग्राउंड हमने डार्क करना ही करना है। इस सिचुएशन में आपको करना ही करना है, किसी और सिचुएशन में करो ना करो, बट इस सिचुएशन में आपको करना ही करना है बैकग्राउंड डार्क, अदरवाइज आपको यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करने पड़ जाएगी। तो उस वजह से अगर आप लाइन क्रिएट कर रहे हो कोई, क्योंकि रियलिटी में कोई लाइन ज़्यादातर एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में क्या होगा वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगेगा, तो आपको लाइन ज़्यादातर अवॉइड ही करनी है। आपको पहले ध्यान देना है कि वो एग्जैक्टली वो लाइन है या फिर कोई एक थिक वैल्यू है या फिर वैल्यू में चेंज आ रहा है, यहाँ पर एक सडन शिफ्ट आ रही है, यहाँ पर डार्क है फिर अचानक से लाइट हो गया। अलग तरीका क्या होगा, जैसे यहाँ पर आई है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कैसी शिफ्ट आ रही है, यहाँ पर सडन शिफ्ट नहीं है, वो एक सॉफ्ट एज है, वो स्मूदली जा रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर स्मूद शिफ्ट हो रही है, कहाँ पर हार्ड शिफ्ट हो रही है, और या कहाँ पर सडन शिफ्ट हो रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। कुछ नए सीखने को मिला हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे जरूर बताना। तो जो लोग थंबनेल पे टैप करते ही कमेंट सेक्शन को पढ़ने लग जाते हैं कि वीडियो कैसी है, उन्हें ही पता लगे। और अगर आप भी इंस्पायरिंग आर्टिस्ट हो जो सीखना चाहते हो कि ड्रॉइंग कैसे किया जाए, रियलिस्टिक ड्रॉइंग कैसे की जाए, फेस ड्रॉइंग कैसे बनाई जाए, स्टिल लाइफ, लैंडस्केप किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, उसके लिए आप रूट्स ऑफ आर्ट ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे मिल जाएगी। और अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप वहां पर दिए हुए नंबर पर मेरे को WhatsApp भी कर सकते हैं। उस ट्रेनिंग में आपके ड्राइंग के बेसिक्स क्लियर तो होंगे ही होंगे, बट साथ ही साथ मार्केट में किस तरीके से अपने आर्टवर्क को सेल किया जाए, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे एक आर्टिस्ट कमा सकता है, वो सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। तो सीखने के साथ साथ मार्केट की भी नॉलेज मिलेगी आपको, किस तरीके से वीडियोस बनाई जाती हैं, जैसे आप देख रहे हो ये किस तरीके से शूट किया जाता है, एडिट किया जाता है, वो भी सारा कुछ उसमें बताया गया। तो आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैंने काफी सारी शॉर्ट वीडियोस के थ्रू ड्राइंग्स को इजी तरीके से कैसे बनाया जाता है वो सारा कुछ सिखाया गया, तो वो आप चेक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। क्या था ये सर? ऐसा है, बहुत हो गई इधर उधर की बातें, नीचे बातें, नॉट बातें, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तू, बातें। ये चाय किसने पिया यहाँ?